अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दर्शक किचन में आज हम बहुत टेस्टी रेसिपी आपको बताने वाले हैं जो खाने में ही बहुत टेस्टी है और बनके भी बहुत टेस्टी होती है। जो शादियों में उड़द गोश्त मिलता है वैसे ही हम बना के दिखाएंगे आपको। ये मुझे डालना है उड़द, जो साबुत वाले उड़द हैं, ये जो उड़द गोश्त में शादियों में डलते हैं वहीं ये उड़द हैं मेरे। और ये हैं 200 ग्राम ये उड़द हैं मेरे। मैंने इसे भिजो कर रख लिए थे एक घंटे के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैंने, आप अगर चाहें तो सुबह से दोपहर तक, अगर दोपहर का बनाएं तो सुबह से भिजो कर रख दें 2-3 घंटे के लिए इसे, ताकि ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और इसे अब मुझे उबालना है करीब एक या दो कप पानी में। और ये मुझे इतनी 8-10 जो काली मिर्चें हैं मुझे इसमें डालना है। ये वॉश करके मैंने रख लिया है अच्छी तरीके से। अब मैं इसे उबालने का आपको तरीका बताऊंगी। ये मुझे कुकर है मेरा और इसमें मुझे इसमें डालना है, मैंने ये वॉश करके रख लिया है। ये 200 ग्राम मेरे उड़द हैं जो शादियों में डाले जाते हैं, मैंने वॉश करके रख लिए हैं। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैंने इसको 1 घंटा भिगो है, आप अगर चाहें तो ज़्यादा भी भिगो के रख सकते हैं। करीब मैंने इसमें 200 ग्राम पानी लगा दिया है इसे उबालने के लिए। एक पिंच हमें इसमें सोडा डालना है, ज़्यादा नहीं, खाली 1 पिंच। और इसे हमें उबालने के लिए इसे रखना। ये 1 kg मेरा मटन है, ये 200 ग्राम मेरी ऑनियन है जो मैंने धो के वॉश करके अच्छी तरीके से इस तरीके की काट के रख ली है। और ये 200 ग्राम मस्टर्ड ऑयल है जो मेरे घर का है प्योर। और ये 1 tbsp जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और ये इसके मसाले हैं जो 2 tbsp कोरिएंडर पाउडर है, 2 tbsp रेड चिली मिर्चें हैं, 1 tbsp हल्दी पाउडर है। और ये सॉल्ट है जो टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। और ये 2 बेलियब हैं, 5-6 ग्रीन चिली मिर्चें हैं। ये मुझे ब्लास्ट में डालना है, मैंने इस तरीके की ये काट के रख ली हैं। और ये तड़के का इसका सामान है, 1/2 tbsp जीरा है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 8-10 काली मिर्चें हैं, 4 लौंग हैं, ये 2 दालचीनी की पीस है और 1 जावित्री का इतना बड़ा टुकड़ा है। ये मुझे इसमें तड़के में लगाना होंगे भगार में जो मैं गोश्त भूनूँगी। और आइए हम आपको बताना शुरू करते हैं किस तरीके से हमें बनाना है। ऑयल डालना है अपना जो मैंने 200 ग्राम लिया था, मुझे इसमें ऑनियन फ्राई करना है। ऑनियन हमारी फ्राई हो चुकी है, हमें इतनी गोल्डन चाहिए एकदम रेड, ज़्यादा भी हमें नहीं करना ताकि इसका टेस्ट कड़वा ज़्यादा हो जाती है। ये गोल्डन तक टेस्ट इसका कड़वापन हो जाए, कड़वा मारने पर लगता है ये कड़वापन हो जाता है। इसमें हमें एकदम लाइट गोल्डन रखना है, कि लाइट गोल्डन, इतनी गोल्डन करना है हमें। ऑनियन हमारी गोल्डन हो चुकी है, अब हमें इसे बाहर निकाल देना है चूल्हे को बंद कर। मसाले डालना है, 1/2 tbsp जीरा पाउडर है, जीरा है, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 जावित्री है, 4 लौंग हैं, ये 8-10 काली मिर्चें हैं। बेलिए भूल गए थे, सॉरी, ये बेलिए डाल देना है इसमें। अपना मटन डालना है, करीब 10 मिनट के लिए हमें इस तेल में इसे फ्राई करना है ऑयल में अपने। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं ऑयल में हमारे फ्राई होते हुए। अब हमें इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है अपने, 2 tbsp। हो चुका है, 1-2 मिनट हो चुके हैं हमारे मटन को जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ भूनते हुए। हमने इसे अच्छी तरीके से भून लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ मटन को अपने, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है इसमें। अब इसमें हमें मसाले डालना है जो हमने आपको बताए थे, 2 tbsp कोरिएंडर पाउडर है,
1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है और सॉल्ट है। भूनना है मसाले के संग, नहीं लगाएंगे सब पानी नहीं बिल्कुल फंसा का ही। अब 1-2 मिनट के लिए हम इन मसालों के संग में मटन को अपने और भूनना है। ये हमने मसाले डाले हैं, मटन को हमने अपने मसालों के संग 1-2 मिनट के लिए भून लिया है। मसाला हमारा अच्छे से भून के तैयार हो चुका है। हमें इसमें गलाने के लिए पानी लगाना है टेंडर करने के लिए अपने। हमें मटन को अपने टेंडर करना है, हमने इसमें पानी लगा दिया है, इसे टेंडर करना है। अब हमें 4 या 5 हमें सीटी लगाना है इसे, फिर हम आपको दिखाएंगे। 4-5 सीटी लगाने के बाद दिखाएंगे आपको। उड़द में हमने 4 सीटी लगा ली थी इसमें हमने, और 15 मिनट के लिए हमने मीडियम आँच पे रख दिया था पानी सुखाने के लिए, ताकि अच्छी तरीके से ये गल जाए हमारे उड़द। उड़द हमारे गल चुके हैं, पानी बिल्कुल नहीं है इसमें, खुशक हो गया है बिल्कुल। इस तरीके के हमें चाहिए, इसी तरीके के पानी बिल्कुल नहीं है इसमें। अब हमें इसे मिक्सी में पीसना है। 4 से 5 सीटी मैंने अपने मटन में लगा लिए। अब मैंने इसको इसी के प्रेशर में छोड़ दिया था। अब इसको खोल के देखना है कि मटन हमारा टेंडर हुआ है या नहीं। मटन हमारा टेंडर हो चुका है एकदम, देखिए बिल्कुल गल चुका है ये। हमें इतना ही गला हुआ चाहिए, टेंडर चाहिए इतना ही। मटन हमारा बिल्कुल एकदम टेंडर हो चुका है। अब हम ऑनियन अपनी फ्राई करके बाहर निकाली थी तल के, जो आपको दिखाई थी उससे, अब इसमें मैंने मिक्सी में पीस लिया है। अब इसको डालना है मुझे इसमें, इसमें डालूँगी। मैंने अपने ऑनियन डाल दिए मिक्सी जाल में पीस के, जो मैंने तल के बाहर निकाली थी शुरू में ही। अब 1-2 मिनट के लिए इसको भी डाल के भूनना है मुझे। उड़द उबाल के रखे थे उससे मिक्सी में पीस लिए हैं, ये डलने के लिए तैयार है। इसमें हमें मिक्सी में पीस के डालना है, ताकि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी हो। आप अगर चाहें तो उबाल के चमचे की मदद से कुकर में घोट भी सकती हैं, घोट के डाल लें। ग्रीन चिली 5-6 काट के रखी थी इस तरीके की, इसमें अच्छी ही लगती हैं, वो मुझे इसमें डालना है। एक बार से मैंने फाड़ ली थी, थोड़ा कट लगा लिया है छुरी की मदद से। उड़द गोश्त में हमने इसमें पानी लगा दिया है, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतना ही हमने पानी लगाया है इसमें। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप अपने हिसाब से पानी लगाइए, मैंने अपने हिसाब से पानी लगाइए। इतना मैंने पतला रखा है इसे, रखने के बाद पक कर रखने के बाद थोड़ा ये थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इतनी तरी रखी है इसकी। 10 या 15 मिनट और इसे उबाल लगाना है, इसमें पकाना है, बाकी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। दस 15 मिनट हो चुके हैं हमारे उड़द गोश्त को स्लो आंच पे पकते हुए। अब ये तैयार है। अब हमें इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डालना है और 2-3 बूंद हमें केवड़ा डालना है।
मेरे पास गोल्ड का है, अगर आपके पास एसएस का हो तो 2-3 बूंदी डालें आप, मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। पंद्रह ग्राम मैंने तड़के के लिए इसमें ऑयल ले लिया, मस्टर्ड ऑयल, इसमें हमें तड़का लगाना है। ऑनियन को हमें एकदम गोल्डन करना है, तड़का लगाते हैं तो और भी इसका टेस्ट बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, उड़द गोश्त बनके हमारा तैयार है, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल शादियों वाला। आप अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपनी फैमिली में शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें। अगर एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।